बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जाको राखें सतगुरु, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। प्रेमियों, उन्नाव शहर में एक गांव है हल्गी मंजी। उस गांव के मुखिया श्री महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनका बहुत अनुराग था। मुखिया जी की हमेशा यही इच्छा होती थी कि हमारे घर में कोई भी उत्सव हो तो उसमें श्री गुरु महाराज जी का आगमन अवश्य होना चाहिए। एक बार होली के त्योहार पर मुखिया जी ने श्री गुरु महाराज जी से आग्रह किया कि हे महाप्रभु, होली के उत्सव पर आप हमारे घर अवश्य पधारें। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, मुखिया जी, होली पे आना उचित नहीं है, मैं बाद में अवश्य आऊंगा। मगर मुखिया जी भी अपनी बात पर अड़े ही रहे और उनका हठ देखकर भक्त वत्सल भगवान जी ने हाँ कर दी। अंततः होली का वो शुभ दिन आ पहुंचा। सभी घरों के द्वार पर शहनाइयां बज रही थीं, ढोलक वादन हो रहे थे, सभी ने अपने घरों में रंगों के पात्र भरकर रख लिए, यह सोचकर कि जब श्री गुरु महाराज जी आएंगे तो उनके श्री चरणों में ही हम होली का त्योहार मनाएंगे। मुखिया जी भी बड़े प्रसन्न थे। गांव के सभी व्यक्ति बड़े ही प्रसन्नचित होकर घूम रहे थे। अचानक सहनाइयों की आवाज बंद करवा दी गई, ढोलक वादन बंद करवा दिए गए और एक व्यक्ति ने मुखिया जी को आकर एक दुखद समाचार सुनाया कि मुखिया जी, आपका छोटा बेटा जो कि सरोवर में स्नान करने गया था, वो डूबकर मर गया। और इतना सुनते ही मुखिया जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। संपूर्ण वातावरण में उदासी छा गई। गांव के व्यक्ति मुखिया जी के बेटे के शव को लेकर आए। घर पर शव को रखा, मुखिया जी फूट फूट कर रोने लगे। अब मुखिया जी क्या करें बेचारे, एक तरफ बेटे की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ आराध्य देव भगवान का शुभ आगमन होने ही वाला था। जब श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मस्तिष्क में आया तो ध्यान बेटे से हटकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लग गया और उनकी याद आते ही मुखिया जी की आंखों के आंसू सूख गए। उन्होंने घर के समस्त लोगों से कहा कि तुरंत ये रोना धोना बंद कर दो और अपने परिवार वालों से कहा कि बच्चे का शव उठाओ और पीछे वाले कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर दो। और समझा दिया परिवार वालों को कि जब तक श्री महाराज जी होली खेलकर और भोजन करकर वापस ना चले जाएं, तब तक ना तो कोई रोएगा और ना ही श्री गुरु महाराज जी को इस घटना के बारे में कोई खबर देगा। और उसी समय मेरे महाप्रभु, मैं त्रिलोकीनाथ कुछ संतों को और भक्तों को लेकर के प्रसन्न मुद्रा में हवेली के द्वार पर आ पहुंचे। सभी परिवार वाले प्रसन्न होकर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे और घर के जो बड़े थे, जो प्रेमी जन थे, वो श्री गुरु महाराज जी को अपने घर में ले आए। कहा, प्रभु आप विराजिए। किंतु श्री गुरु महाराज जी ने उन रंगों को देखकर कहा, नहीं भैया, पहले तो हम होली ही खेलेंगे। और वहां पर एक पिचकारी रखी थी, वो पिचकारी रंग से भर ली और कहने लगे, आज सबसे पहले मैं होली खेलूंगा, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करूंगा। श्री गुरु महाराज जी के सामने परिवार के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की निगाहें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। और गुरु महाराज जी ने फरमाया, अरे भैया, हमारा चोर कहाँ छिपा है? सबसे पहले तो हम उसी के साथ होली खेलेंगे। कहाँ छिपा हुआ है वो छोटा सा प्यारा सा मेरा प्रेमी? ये सुनकर सभी
घर वाले भयभीत हो गए कहीं राज ना खुल जाए और मेरे प्रभु होली खेले बगैर ही रह जाएं। लेकिन मेरे महाप्रभु ने जाकर उसी कमरे का दरवाजा खोल दिया जिसमें वो मृत बालक पड़ा हुआ था। और आपने बालक को पुकारा, अरे प्रेमी तू यहाँ सो रहा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, उठो। अरे उठो भाई और हमारे साथ होली खेलो। और मेरे महाप्रभु जी ने पिचकारी का सारा रंग बालक पर छिड़क दिया और जैसे ही मेरे त्रिलोकी नाथ, मेरे आराध्य देव, मेरे प्राण धन श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपने कर कमलों से बालक पर प्रेम पिचकारी का रंग डाला, वैसे ही वो मृत बालक आंखें खोलकर उठकर खड़ा हो गया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और यह चमत्कार देखकर मुखिया जी रोने लगे कि तो चमत्कार हो गया, ये रंग था या कोई संजीवनी बूटी थी। मेरे प्रभु की जय जयकार करने लगे, हारा वाले दा बोलो जय जयकारा, नंगली वाले दा बोलो जय जयकारा, अरे बोलो जय जयकारा, बोलो जय जयकारा, हरि हर बाबा दा बोलो जय जयकारा। मुखिया जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा कि मेरे प्रभु, मेरे त्रिलोकी नाथ, अंतर्यामी प्रभु हैं वो, और मृत बालक को उस पिचकारी को पकड़ाते हुए कहने लगे, अरे प्रेमी इसमें रंग भर कर हर किसी को भक्ति के रंग में रंग दो, हम तो जिस काम के लिए आए थे यहाँ पर वो तो पूरा हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। ऐसे दयालु प्रभु मेरे, जिसके शीश पर उनका हाथ हो उसे किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। इसलिए भक्त कहते हैं, आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना, मेरे श्री गुरु महाराज जी हमसे मिलने जरूर आएंगे, बस अपने दिल का दरवाजा खुला रखना। जय सच्चिदानंद।